वाराणसी पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार हुआ है। बुलंदशहर और गाजीपुर की घटनाओं को रेल मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि कुछ तत्व राज्य का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्वयं 2017 के चुनाव में जब आया चुनाव के प्रचार के लिए और पहला ही दिन जब चुनाव के लिए आया था तब दिन दहाड़े लखनऊ में प्रदेश की राजधानी में एक व्यापारी का दिन दहाड़े खून हुआ था और मेरा लगभग एक महीने जब प्रचार चला उन दिनों समाजवादी की सरकार थी और एक महीने के प्रचार में मुरादाबाद में जिस प्रकार से दिन दहाड़े एक दूध के व्यापारी का शायद कत्ल हुआ था, एक सहारनपुर का किस्सा हुआ था, एक लखनऊ का, तो मैं समझता हूँ योगी महाराज जी के आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधरी है वो पूरा उत्तर प्रदेश समझता है। जिस प्रकार से अवैध काम होते थे, जिस प्रकार से अवैध कब्जा किया जाता था लोगों के प्रॉपर्टीज पे, वो सब बंद हुआ है। लोग तो यहाँ तक मुझे कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में चोर अचक्के जेल के पीछे रहना पसंद करते हैं, बाहर आने से डरते हैं। और मैं समझता हूँ इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में पहली बार देखी गई है। दुर्भाग्य की स्थिति है कि एक बुलंदशहर में विषय हुआ है और उसमें और कल गाजीपुर में, और शायद कुछ तत्व इस प्रकार की वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर पुलिस भी निगरानी रखे हुए है और राज्य सरकार भी सख्त से सख्त कार्रवाई इस प्रकार के शख्सों के